क्या विचित्र राजनीति चल रही है। पूरा पंजाब कोरोना से प्रभावित है, वहां वैक्सीन का मैनेजमेंट ठीक नहीं हो रहा है, वहां टेस्टिंग और बाकी विषयों में भी सरकार का जैसा ध्यान होना चाहिए नहीं है, और पिछले 6 महीने से यह आपसी लड़ाई उनकी चल रही है। आज तो पूरा पंजाब पार्टी और सरकार दिल्ली में है पिछले 3-4 दिन से, वह पंजाब को कौन देखेगा? अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स के लिए पंजाब के लोगों की अनदेखी करना यह कांग्रेस का बड़ा पाप है। मैं तो राहुल गांधी से कहूंगा कि दूसरों को लेक्चर देने के बजाय अपने राज्य में ठीक काम हो इसका पहला विचार करें, और उसके लिए अभी जो आज एक न्यूज आई है वो तो बहुत ही खतरनाक है कि कोवैक्सीन के उनको 1,40,000 से ज्यादा डोसेस मिले, उसमें से वो 400 रुपए को मिले, और ये 1,000 रुपए को उन्होंने 20 प्राइवेट हॉस्पिटल को दिया। यानी कोविन जैसे वैक्सीनेशन में भी वो राज्य सरकार प्रॉफिट ही कमाना चाहती है, तो ये कैसा जनता का प्रशासन है? आज कांग्रेस की ये स्थिति, और जनता को तो 1,500 रुपए में दे रहे हैं। आज तक भारत सरकार ने जो 22 करोड़ वैक्सीन दिए सभी स्टेट्स के द्वारा और सभी स्टेट्स को, वो फ्री दिए हैं, और इन्होंने ही मांगा था कि डिसेंट्रलाइज करो। अब डिसेंट्रलाइज करने के बाद कह रहे हैं कि नहीं सेंट्रलाइज करो, तो ये रोज बदलती भूमिका, और ध्यान दे अपने मैनेजमेंट पर ताकि पंजाब के लोगों को राहत मिले। आज लोगों की यही मुख्य मांग है, अपेक्षा है।